हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्डन करियर। आरआरबीपीओ 2020 का हमारा बैच चल रहा है स्पेशल, जो कि पेड कोचिंग का है, जिसमें 500 लोग ज्वाइन कर चुके हैं, सिर्फ 100 सीट्स बची हुई हैं। अगर आपको ज्वाइन करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। इस वीडियो में हम आज देखेंगे कि कैसे आप सिर्फ कुछ सेकेंड्स में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये वीडियो ले रहे हैं आपके अंकित सर, जिन्होंने हमें ये वीडियो भेजा है। आप देखिएगा, आपको डेफिनेटली ये वीडियो बहुत हेल्प करेगी, एंड उन्होंने ये आपकी हेल्प के लिए भेजा है। तो अगर आपको उनकी वीडियोज अच्छी लग रही हैं, लाइक करिएगा एंड कमेंट जरूर करके बताइएगा कि उनकी वीडियो आपको कैसे लगी है। ऐसी ही वीडियोज आपको मिलती है पेड क्लासेस में, एक एक घंटे की क्लासेस, 40 मिनट की, 30 मिनट की, जैसा भी जो टॉपिक हो। तो अगर आप हमारी क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है, वहां पर जा करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं ये टॉपिक। हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कैलकुलेशंस के बारे में कि किस तरीके से हम मल्टीपल्स को इजी बना सकते हैं कुछ कंसेप्ट के थ्रू। जैसे हम पहले कंसेप्ट की बात करें कि आपको किसी भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। अगर मुझे 24 को मल्टीप्लाई करना है 11 से, तो मैंने बोला 11 से मल्टीप्लाई करने के लिए आपका चार जो लास्ट का नंबर है वो ऐसा कैसा मिल जाएगा। पीछे से हम इसको ऐड करते हुए आएंगे। हमने चार में दो को ऐड किया, यानी कि 4 + 2, और पहला नंबर आपको एज इट इज रखना है, तो आंसर मिल जाएगा 264। तो हमने क्या बोला कि अगर 35 को 11 से मल्टीप्लाई करना है तो ये 5 आपका ऐसा कैसा आ गया। 5 से पहले इधर आए, 3 यहाँ पर था, तो हमने इस 5 में 3 को जोड़ दिया, उसके बाद 3 का 3 ले लिया, यानी वैल्यू मिल गया आपको 385। अगर हम बात करें 43 को मल्टीप्लाई करना है 11 से, मैंने बोला 3, तो आपको ऐसा कैसा मिल जाएगा। 3 के बाद थोड़ा लेफ्ट में चले हम तो 4 आ रहा है, तो हमने 3 और 4 को आपस में ऐड किया, तो 3 और 4 ये आपस में ऐड हो गए, और इसके बाद केवल सिंगल मान लेना है तो क्या मिल जाएगा आपको 4, तो जोड़ने पर मिल रहा है 473। 47 को मल्टीप्लाई किया 11 से, 7 का 7, 7 में 4 को ऐड किया तो 7 + 4, और आपको 4 का 4 ऐसा मिल जाएगा। जोड़ने पे ये आ रहा है 11। हमेशा जो इनका एडिशन है वो सिंगल डिजिट में आएगा, बीच वाला मान। या हमेशा कह सकते हैं इसके पीछे से जो सारे मान आएंगे वो हमेशा सिंगल डिजिट में आएंगे। हमने देखा 7 सिंगल में था तो 7 का 7 लिख दिया, ये 11 डबल में आ रहा है तो हमने इस 1 को आगे भेजा, तो 11 में से 1 बचेगा, और 1 जब आगे जाएगा तो 4 और 1 ये 5 मिल जाएगा। समझते हैं वापस से हम इसको। हमने बोला 65 को 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो सबसे पहले इसका लास्ट डिजिट 5 वो हमने यहाँ पर ले लिया, उसके बाद हम यहाँ पर आए तो 5 और 6 इनको आपस में ऐड किया तो 5 और 6 11 बन गया, और पहला नंबर आपको ऐसा कैसा मिल जाएगा। हमने बोला ये जुड़ने पर 2 डिजिट में आ रहा है, तो इसकी 1 डिजिट को हमने आगे फॉरवर्ड किया तो 11 का केवल 1 लिया है हमने और 1 को आगे भेज दिया, तो बन जाएगा आपका 7। चलिए अगर हम बात करें 3 संख्या को मल्टीप्लाई करना है 11 से, तो सबसे पहले आपने 3 लिखा सबसे लास्ट में, 3 के बाद हम थोड़ा आगे चले हैं तो 3 और 2 इनको आपस में ऐड कर दिया, 3 और 2 को ऐड कर दिया हमने, उसके बाद 2 से हम आगे बढ़े तो 2 और 1 इनको आपस में ऐड कर दिया। अब आगे बढ़ने के लिए कुछ नहीं है, तो हमने केवल 1 को ऐसा कैसा लिख दिया, तो जोड़ने पर आया 1 3 5 3। चलिए वापस समझते हैं इसको। 452 को मल्टीप्लाई करना है 11 से, हमने बोला लास्ट में कितना है 2, तो 2 आपको ऐसा कैसा मिल गया। अच्छा, 2 के जब लेफ्ट में चले तो 2 और 5 2 संख्याएं मिल रही है, तो इनको आपस में जोड़ दिया। 5 से जब आगे चले तो 5 और 4 इनको आपस में जोड़ दिया, 4 के आगे कुछ नहीं है तो हमने 4 को ऐसा का ऐसा लिख लिया, तो आंसर मिल जाएगा 4972। अगर मैं बोलूँ 5731 को मल्टीप्लाई करना है 11 से, अब हम 4 संख्या ले रहे हैं। देखिए क्या करा हमने, 1 लास्ट में मिल गया आपको, 1 से हम लेफ्ट में चले तो 1 और 3 इसको यहाँ ऐड कर दिया, जब 3 से लेफ्ट में चले तो 3 और 7 इसको यहाँ ऐड किया, 7 से लेफ्ट में चले तो 7 और 5 इसको यहाँ ऐड किया। अब 5 के आगे कुछ नहीं है तो 5 को हमने एज इट इज कॉपी कर लिया। देखिए ऐड किया हमने इनको आपस में, तो 5 और 7 ये बन रहा है 12, 7 और 3 ये बन रहा है आपका 10, 1 और 3 ये बन रहा है आपका 4 और 1। हमें हर जगह से सिंगल डिजिट को कॉपी करना है। हमने बोला यहाँ पे 1 है तो 1 का 1 आ गया, यहाँ पे 4 है 4 का 4 आ गया, यहाँ पे 10 2 डिजिट में आ रहा है,
लेकिन हमें तो सिंगल डिजिट लेनी है, तो हमने 10 का 0 लिया और 1 को भेजा हमने आगे, तो 12 में 1 जाएगा तो कितना बन जाएगा, 13। चलो वापस चेक करा हमने कि हमें हर जगह तो सिंगल मान लेने, 1, 4, 0, लेकिन 13 का कितना लेंगे, 3, और इस 1 को आगे भेज देंगे यानी कि 6 मिल जाएगा। तो जब भी आपको 11 से मल्टीप्लाई करना है, पीछे से स्टार्ट करेंगे और उसको आगे ऐड करते हो जाएंगे। 11 से मल्टीप्लाई करने के लिए आप ऐसा भी बोल सकते हो कि अगर मुझे इसको 11 से मल्टीप्लाई करना है तो इसके साथ 1 0 लगा दो और उसी नंबर को साथ में कॉपी कर दो, क्योंकि 11 का मतलब है 10 + 1। तो आप इस तरीके से भी इसको ऐड कर सकते हो, देखिए ये भी आपको जल्दी मिल जाएगा। मान लो मैंने बोला आपको कि मुझे 65 को 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो 65 का मतलब है 650, और इसको ऐसा लिख दो। तब इस तरीके से भी 11 से मल्टीप्लाई जल्दी से जल्दी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम कंसेप्ट नंबर 2 की तरफ, कि हमें दो नंबरों को मल्टीप्लाई करना है जिनका इकाई अंक 1 हो, तो उन्हें हम जल्दी कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए 31 और 41, इसका यूनिट डिजिट भी 1, इसका यूनिट डिजिट भी 1। जब दोनों का यूनिट डिजिट 1 होगा तो हमेशा आपको लास्ट की वैल्यू तो मिलेगी 1। जब आप 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो लास्ट में कितना मिलेगा आपको, 1। 1 के अलावा जो भी नंबर बच रहा है आपके पास वो एक बार मल्टीप्लाई होगा और एक बार आपका ऐड होगा। मैंने बोला यहाँ पे तक तो 3 बच रहा है, 1 1 4 बच रहा है, तो आप इस 3 को एक बार 4 से मल्टीप्लाई करें और एक बार 3 को 4 से ऐड कर दें। हमने क्या बोला कि लास्ट में 1 आएगा, 1 के अलावा जो बच रहा है वो एक बार मल्टीप्लाई होगा, एक बार जुड़ेगा। देखो तो जब मल्टीप्लाई किया तो 12 जोड़ा तो हमने 7 और ये 1, ऐसा मिल जाएगा। वापस से समझते हैं इसको, 51 को 31 से मल्टीप्लाई करना है। हमने देखा 1 और 1, तो लास्ट में मिल जाएगा 1, 1 के अलावा 5, यहाँ पर 3, तो 5 × 3 ये ऐसा मिल गया, 5 और 3 ये ऐसा मिल गया, तो आंसर मिल जाएगा 1581। वापस समझते हैं इसको, 71 को 41 से मल्टीप्लाई करना है। मैंने बोला 1 से 1 लास्ट में कितना मिल रहा है आपको, 1 मिल जाएगा। 1 के अलावा यहाँ बच रहा है 7, यहाँ बच रहा है 4, तो इस 7 को एक बार 4 से मल्टीप्लाई करना है और इस 7 में एक बार 4 जोड़ना भी है। जब 7 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 28 आया, जब 7 में 4 को जोड़ा तो 11 आया और लास्ट में 1 मिल रहा है। ध्यान रखना जब भी हम इसमें जोड़ेंगे तो ये जो बीच वाला मान है ये हमेशा सिंगल डिजिट में चाहिए आपको। ऊपर सिंगल डिजिट में आ रहा था तो कोई इशू नहीं था, यहाँ पे ये 11 आ रहा है दो संख्या में, तो हमें क्या करना होगा, एक संख्या को आगे भेजना होगा। हमने बोला इस 1 को लिखा, हमने 11 से 1 लिखा और 1 आगे भेज दिया, तो 28 और 1 कितना बन जाएगा, 29। आइए समझते हैं वापस से बड़े नंबरों में, कि मुझे 131 को 21 से मल्टीप्लाई करना है। तो हमने देखा 1 और 1, 1 तो मिल गया, 1 के अलावा यहाँ बच रहा है 13, यहाँ बच रहा है 2, तो एक बार 13 2 से मल्टीप्लाई होगा, एक बार 13 के अंदर 2 ऐड होगा, तो 13 दूनी 26, 13 और 2 15। हमने बोला ये नंबर सिंगल में चाहिए, तो 15 का लेंगे 5 और 1 को भेज देंगे आगे, तो 26 और 1 27 बन जाएगा। अगर मैं बात करूँ कि 291 को 31 से मल्टीप्लाई करना है, हमने फिर देखा 1 और 1 सेम आ रहे, 1 के अलावा बच रहा है 29, यहाँ बच रहा है 3, तो एक बार ये मल्टीप्लाई होंगे और एक बार ये ऐड होंगे, तो 29 दिया 87, 29 और 3 32। ये नंबर आपको सिंगल में चाहिए, तो 32 का केवल 2 आएगा और 3 को जब आगे भेजेंगे 87 और 3 ये आपको 90 बन जाएगा। चलिए अगर मान लो 241 को 51 से मल्टीप्लाई करना है, हमने बोला 1 तो मिल गया आपको, 1 के अलावा बच रहा है 24 और 1 के अलावा बच रहा है 5, तो 24 5 से मल्टीप्लाई होगा और 24 में 5 को हम ऐड कर देंगे, 24 × 5 = 120, ये 29। हमने बोला हमें डिजिट सिंगल में लेना है, तो 29 का केवल 9 आ गया, 2 को आगे भेजा तो बन जाएगा 122 91। मान लीजिए मैं आपको बोलता हूँ 271 को 21 से मल्टीप्लाई करें, आप क्या बोलेंगे, लास्ट में 1, यहाँ बच रहा है 27, यहाँ बच रहा है 2, तो 27 दूनी 54, 27 और 2, तो इस 2 को आगे भेज देंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा 569। तो इस तरीके से आप जब भी लास्ट में आपको 1 मिले उसको इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं कंसेप्ट नंबर 3 की तरफ,
कि किसी भी नंबर को 111 या 37 से कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। अगर मैं बात करूं कि मुझे 12 को मल्टीप्लाई करना है 111 से, तो आप कुछ ना करिए, आप इस नंबर को एज इट इज कॉपी कर दीजिए। जैसे मैंने 1 लिखा हुआ है, यहाँ मैंने 2 लिखा हुआ है, और जो इनका एडिशन है 1 और 2 का, उसको आप 2 बार बीच में लिख दीजिए। जैसे 1 2 था तो 1 आ गया, 2 आ गया, और इन दोनों का एडिशन 3, इसको 2 बार लिखा हुआ है। हमने बोला 72 को मल्टीप्लाई करना है 111 से, मैंने बोला 7 लिख दो, 2 लिख दो, ये 7 आ गया, ये 2 आ गया, और इन दोनों का एडिशन, इसको आप 2 बार बीच में लिख दो, तो इन दोनों का एडिशन कितना मिल जाएगा, 9 और 9, ईजी है। हमने बोला 63 को मल्टीप्लाई करना है 111 से, मैंने बोला 6 लिख दो, 3 लिख दो, और इन दोनों का एडिशन बीच में लिख दो, तो 6 आ गया, 3 आ गया, और इन दोनों का एडिशन 9 को हम 2 बार लिख लेंगे। हमने बोला 56 को मल्टीप्लाई करना है 111 से, 56 का मतलब 5 लिख दो, 6 लिख दो, तो एक बार 5 आ गया, एक बार 6 आ गया, अब इन दोनों का एडिशन तो 11 और 11। अब वापस से वो दिक्कत हमारे पास आ रही है कि इनका जो एडिशन है बीच वाला नंबर, वो 2 संख्या में आ रहा है, हमें तो 1 संख्या लेनी है। तो हमने क्या करा कि इस 11 का 1 लिया, एक हमने आगे भेज दिया, तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा 5, 12, 1 और 6। अब इस 12 में सिर्फ 2 लेंगे और 1 को आगे भेज देंगे, तो आपका फाइनल आंसर बन जाएगा 6216। अब इसी के बेस पर एक रूल और बनता है 37 का। हमें ये पता होना चाहिए कि जो 111 होता है वो 37 × 3 होता है। अगर आपको ये बात पता है तो आप 37 से किसी भी नंबर को इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए कैसे, मान लो हमें 37 को मल्टीप्लाई करना है 48 से। अगर मुझे पता है कि 37 और 3 मिलकर 111 बनाते हैं, और 111 से मल्टीप्लाई करना आसान है, तो मैं क्या करूँगा, मैं उस नंबर के अंदर 3 को ढूँढूँगा। मैंने बोला मैं इस 48 को 3 × 16 बोल सकता हूँ, मैं 48 में 3 का भाग दिया, 3 × 16 बोल सकते हैं। अब जब इसको 3 × 16 बोला, तो ये नंबर आपका निकल कर आया 111, और 111 से मल्टीप्लाई करने के लिए 16 को हमने 1 और 6 लिख दिया, और इन दोनों का एडिशन कितना मिल जाएगा, 7 7, जो कि 2 बार लेते हैं हम लोग। वापस से समझते हैं इस चीज़ को। मैंने बोला 37 को मल्टीप्लाई करना है मुझे 123 से, हमें तो 37 के साथ 3 भी चाहिए, तो 123 में मैंने जब 3 का भाग दिया, तो ये नंबर मुझे कुछ इस तरीके से मिला, 3 × 41। हमने बोला है 37 और 3, ये बन गया आपका 111। और अगर 111 को 41 से मल्टीप्लाई करना है, तो आप कुछ मत करिए, 4 और 1 ऐसा कैसा मिल जाएगा, और इन दोनों का एडिशन 5 को 2 बार लिख दीजिए। मैंने बोला 37 को मल्टीप्लाई करना है 246 से, मुझे इसमें 3 ढूंढना है, तो मैंने 3 का भाग दिया। आप देखो क्या बन रहा है, ये वापस से आपके पास 111 दिख रहा है, और अगर 111 को 82 से मल्टीप्लाई करना है, तो 8 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, और इन दोनों का एडिशन 10 दो बार मिल जाएगा, क्योंकि ये 2 संख्या में आ रहा है, हमें 1 संख्या लेनी है। तो देखो 2 का 2 ले लिया हमने, 10 का हमने लिया 0, इस 1 को आगे भेजा, तो 10 और 1 11, 11 का लिया हमने 1, और फिर 1 हमने आगे भेज दिया। तो इस तरीके से आप 37 से भी नंबर को इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। अच्छा, ट्रिक नंबर 4 है कि मल्टीप्लाई करना है हमको 5 की पावर n से। 5 की पावर n का मतलब है, अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करते हो, तो 5 की जगह आप 10/2 बोल सकते हैं, 25 की जगह आप 100/4 बोल सकते हैं, ये हमने परसेंटेज जो डिस्कस किया था है ना, 25% 1/4, 125 को आप 1/4/8 बोल सकते हैं, और 625 को 10,000/16 बोल सकते हैं। इसका मतलब ये है, जैसे मान लो आपको कहीं पर भी 5 से मल्टीप्लाई करने को मिले, तो आप 5 से मल्टीप्लाई ना करके 2 का भाग दे दें और 0 लगा दें। जैसे मुझे 42 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो मैंने 42 में 2 का भाग दिया, 21, और 0 लगा दी। मान लो मुझे बोला जाए 36 को 5 से मल्टीप्लाई करो, तो 36 का आधा, यही इसका आंसर होगा। मान लो मुझे बोला जाए 96 को 5 से मल्टीप्लाई करो, तो 96 का आधा, ये हमारा आंसर होगा। मान लो मुझे बोला जाए 122 को 5 से मल्टीप्लाई करो, तो 122 का आधा 61। तो 5 से जब भी आपको मल्टीप्लाई करना हो, आप क्या करें, उसमें 2 का भाग दे दें और 1 0 लगा दें। ऐसे अगर मैं बात करूँ मुझे 25 से मल्टीप्लाई करना है, तो 25 से मल्टीप्लाई करने के बजाय आप 4 का भाग दे दो, 648 में 4 का भाग दिया, तो 162, और 2 जोड़ लगा दिए हमने। मान लो मैं आपको बोलता
96 × 25, तो आप क्या बोलते हैं इसमें चार का भाग दो, तो 96 में चार का भाग दिया 24 और दो जीरो लगा देंगे। मान लो आपको बोलता 76 × 25, चार का भाग 76 में दिया 19 और दो जीरो लगा देंगे। तो जब भी आपको 25 से मल्टीप्लाई करने को मिले आप क्या कर सकते हैं, चार का भाग दे देंगे दो जीरो लगा दीजिए। चलिए अगर मान लो मुझे 125 से मल्टीप्लाई करने को मिले तो सेम बात है, यहाँ पे आठ का भाग दे देंगे और हज़ार लगा देंगे। अब देखिए हमने जो बात करी ये बातें आपको भी पता है, इसको हमें अप्लाई कैसे करना है डबल एंड हाफ के थ्रू उसको हम समझते हैं। ये आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा, बड़ी बड़ी कैलकुलेशन इस तरीके से सिंप्लीफिकेशन में बहुत ईजी बन जाती है। देखो मान लो आपको बोलूँ 24 को 35 से मल्टीप्लाई करो, तो या तो अगर आपको 24 का पहाड़ आता हो या फिर आप इसको इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 20, फिर आप ऐसे कैरी लगाते हैं क्रॉस करके, आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ये तरीका भी बुरा नहीं है, अगर आपको इस तरीके की प्रैक्टिस अच्छी है तो आप उससे भी आंसर निकालें। मेरा मानना है जिस कंसेप्ट में आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती है उससे आपका आंसर जल्दी आता है ना। आप बड़े बड़े क्वेश्चन को भी अगर एक्स मान कर सोल्व करते हैं लेकिन अगर उसमें आपका कॉन्फिडेंस है और आपकी स्पीड अच्छी है तो आप एक्स मान कर भी अच्छे नंबर ला सकते हैं। चलिए हमने बोला आप इसमें एक तरीका और लगा सकते हैं, वो ये है डबल एंड हाफ का। क्या आप क्या कर रहे हैं, 24 को मैंने हाफ किया, 24 का आधा 12, अगर एक नंबर को हाफ कर रहा हूँ तो दूसरे को डबल करना पड़ेगा ताकि उसका इफेक्ट सेम रहे। तो आप देखेंगे 12 का पहाड़ आपको आता है तो 12 × 7 = 84, 840, ये नंबर थोड़ा सा आपके लिए ईजी बन जाता है। जैसे मान लो मैं बोलूँ 45 को 34 से मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ दिखने में लग रहा है हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन अगर मैं ऐसा बोलूँ कि इसको डबल किया मैंने, 90 इसको मैंने आधा किया, एक को डबल करेंगे तो दूसरे को आपको आधा करना पड़ेगा। उसका फ़ायदा क्या है, अगर मुझे 17 की टेबल याद है, 17 × 153, तो ये क्वेश्चन बिना कॉपी पेन के आप मेंटली लेवल पे सोल्व कर सकते हैं। जैसे मान लो मैं बोलूँ आपको कि 95 को 28 से मल्टीप्लाई करना है तो 95 का डबल किया 190, तो इसका आधा करना पड़ेगा। आप 19 का पहाड़ा बोल लीजिए या 14 का पहाड़ा बोल लीजिए, मैंने बोला 19 × 76 कैरी साथ, 19 से कम 19, 19 से 26 ऐसा मिल जाएगा। मान लो 65 को मल्टीप्लाई करना है 22 से, 65 का डबल किया हमने 130, 22 का आधा कर दिया 11, जब 130 को 11 से मल्टीप्लाई किया तो 11 का रूल क्या होता है, जीरो तो मिलेगी आपको, 0 + 3 3 आ गया, 3 और 1 4 आ गया और 1 मिल जाएगा। अगर मैं बोलूँ 74 को मल्टीप्लाई करना है 48 से, आपने बोला 74 का आधा करो 37, 48 का डबल करो 96, याद करिए 37 का रूल क्या होता है, हमें 37 से बनाना है 111, तो मैंने बोला इस 96 को मैं 3 × 32 बोल सकता हूँ, ऐसा मिलते ही आपका 111 और 32 के लिए कितना बोल सकते हैं हम 3552। चलिए बढ़ते हैं आगे। अच्छा मल्टीप्लाई टू डिजिट विद सम ऑफ यूनिट डिजिट 10 फर्स्ट नंबर से, क्या हमें ऐसे नंबरों को मल्टीप्लाई करना है जिनका पहला नंबर सेम हो और उनके इकाई के अंकों का योग 10 हो। देखिए जैसे मैंने बोला 63 को 67 से मल्टीप्लाई करें, 6 सेम है आपका और 3 और 7 ये 10 बन रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि इस 3 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो और इस 6 में 1 बढ़ा दो, जब हमने 6 में 1 बढ़ाया तो 7 मिला, यही आपका आंसर है। 6 × 7 = 42, 7 = 21। हमने बोला 54 को 56 से मल्टीप्लाई करना है, मैंने बोला 5 यहाँ पर और यहाँ पर दोनों में सेम है और ये 4 और 6 10 बन रहा है, तो हम क्या करेंगे 4 को तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस 5 में 1 बढ़ाया हमने तो 5 में 1 बढ़ेगा 6, तो ये 5 × 6 मिल जाएगा आपको। हमने बोला 8 और 8 सेम दिख रहा है और ये 2 और 8 10 बन रहा है, इस 8 में 1 बढ़ाया तो 8 × 9 = 72, इस 2 को इस 8 से मल्टीप्लाई किया ये 16 बन जाएगा। हमने बोला 43 × 47, 4 और 4 सेम दिख रहा है, 3 और 7 10 बन रहा है, तो यहाँ पर भी इसको अप्लाई कर सकते हैं कि 4 में 1 बढ़ाया आपने तो 4 × 5 = 20 और ये 7 × 3 = 21, इससे आप डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हैं। चलिए 71 × 79, 7 और 7 सेम, 1 और 9 = 10, तो अगर इसको मल्टीप्लाई करने के तो 7 में 1 बढ़ाया 7 × 8 और ये 1 × 9 = 9, बस ध्यान ही रखना है कि आपका जो मल्टीपल है ये हमेशा डबल डिजिट में आएगा, कभी सिंगल डिजिट में आ रहा है तो उसके आगे हमें जीरो लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो ये चीज़ आपके पास कहाँ पर ज़्यादा काम आएगी, उन संख्याओं के स्क्वायर निकालने में जिनके लास्ट में 5 आता है, तो जब लास्ट में 5 आएगा तो 5 और 5 10 बन जाएगा और जिसका भी आप स्क्वायर निकालोगे वो नंबर तो आपका सेम ही रहेगा।
55 × 55, तो ये इस 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 25, इस 5 में 1 बढ़ाया, तो 5 × 30 = 25। 75 का स्क्वायर निकालना है, 7 में 1 बढ़ाया, तो 7 × 8 और 5 का मतलब 25 बोल सकते हैं। 85 का स्क्वायर निकालना है, तो 8 × 9 और 5 का मतलब 25 बोल सकते हो। ठीक है, मैं आपसे बोलूँ 25 का स्क्वायर निकालो, वैसे तो आपको याद है 625 होता है, लेकिन ये भी इस तरीके से है कि 2 में 1 बढ़ाया 3, तो 2 + 3 = 6 और 5 × 5 = 25। मैं बोलूँ 35 का स्क्वायर निकालो, 3 × 6 = 12 और 5 × 5 = 25। चलिए, इस तरीके को हम रिवर्स में भी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, रिवर्स में अप्लाई करने का मतलब क्या है कि आपका 10 यहाँ बन रहा है और ये नंबर सेम है, तो इसका बेसिक कंसेप्ट ये होता है कि हमने जो नंबर्स फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करना है पहली बात, तो लास्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करना है, 6 × 4 = 4 × 4, ऊपर भी ये कंसेप्ट था। और जो नंबर कॉमन आ रहा है उसको आपको ऐड करना है फर्स्ट वाले में। देखिए, मैं आपको वापस से एक्सप्लेन करता हूँ इस चीज़ को। जैसे हमने ये सारे क्वेश्चन किए थे, मैं इसको एक और कंसेप्ट से बताता हूँ आपको, ताकि ये आपको परमानेंटली माइंड में फिट हो जाए। हमने बोला फर्स्ट फर्स्ट से मल्टीप्लाई होगा, तो 6 × 36, 7 × 21, और पहले वाले पार्ट के अंदर जो कॉमन नंबर है, जो दोनों में कॉमन है, वह एक्स्ट्रा ऐड होगा। देखिए, सेम आ रहा है। हमने बोला 54 × 56, तो फर्स्ट फर्स्ट से मल्टीप्लाई हुआ 25, 4 × 6 से मल्टीप्लाई हुआ, और दोनों में जो कॉमन है 5 कॉमन है, इसलिए हम यहाँ पे ऐसा बोलते हैं कि फर्स्ट नंबर में 1 बढ़ा दो, क्योंकि तो ये 6 6 का मल्टीपल है, तो 6 में 1 बढ़ा दिया हमने 7। ये 5 × 5 था, ये +5 आ रहा है, तो 5 × 6 बन रहा है। तो हम इसी चीज़ को यहाँ अप्लाई कर रहे हैं। देखो, मैंने बोला 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया और इस 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया, दोनों में कॉमन 4 था, तो 4 को ऐड कर दिया हमने फर्स्ट नंबर में। वापस से समझते हैं इसको, 33 × 73, देखो योग 10 बन रहा है, सॉरी ये तो सेम आ रहा है और योग 10 बन रहा है। कहीं से भी आपको योग 10 बने और दूसरा नंबर सेम मिले, वहाँ पे आप इसको अप्लाई कर सकते हो। तो क्या बोलोगे, फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई किया, तो मैंने बोला 21, लास्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई किया, 3 × 3 = 9, कितना लिखेंगे 0 × 9, और जो नंबर कॉमन है उसको फर्स्ट में ऐड कर दो, तो कॉमन कितना है, तो ये आपका आंसर बन जाएगा। मैंने बोला 41 को 61 से मल्टीप्लाई करना है, एक ट्रिक हमने पढ़ी हुई एक नंबर वाली, कि लास्ट में एक आ रहा है उससे भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, और यहाँ भी आप अप्लाई कर सकते हो कि एक तो सेम है और 4 और 6 = 10 बन रहा है, क्या करेंगे 4 × 6 = 24 और लास्ट में 1, दोनों में कॉमन नंबर कौन सा है, आप बोलेंगे 1, तो 1 जोड़ दो फर्स्ट वाले में, तो बन जाएगा 25 = 01। मैंने बोला 45 × 65, आप देखिए 4 और 6 = 10 और ये 5 तो सेम बन ही रहे, 4 × 6 = 24 और कॉमन कितना आ रहा है 5, इसको हमने ऐड कर दिया। तो इस तरीके से आप उन हर नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं जिसमें कोई सा भी एक नंबर सेम हो और बाकी के नंबर का योग 10 मिल जाए, चाहे वो आगे का हो या फिर पीछे का हो। चाहिए इसी को और डिटेल में समझते हैं हम लोग, कि मान लो हम दो नंबरों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं जिनके यूनिट डिजिट का सम 5 है। अब इसमें ज़रूरी नहीं है कि इकाई अंक का योग ही 5 है, इसमें बात यही है कि कोई से भी दो अंकों का योग 5 आए और बचे हुए नंबर आपके सेम हो जाए। जैसे 2 और 2 सेम आ रहे, बचे हुए नंबर का योग 5 आ रहा है। मैंने बोला 4 और 4 सेम आ रहे और बचे हुए 1 और 4 का योग 5 आ रहा है। यहाँ 4 और 4 सेम आ रहे, 3 और 2 का योग 5 आ रहा है। यहाँ पे 8 और 8 सेम आ रहे, 1 और 4 का योग 5 आ रहा है। 7 और 7 सेम आ रहे, 2 और 3 का योग 5 आ रहा है। 3 और 3 सेम आ रहे, 2 और 3 का योग 5 आ रहा है। 16 और 16 सेम आ रहे, 1 और 4 का योग 5 आ रहा है। तो आप इन सभी नंबरों में इसको अप्लाई कर सकते हो जहाँ पे कोई सा भी एक नंबर सेम हो और बचे हुए नंबरों का योग 5 आ रहा हो। तो कैसे अप्लाई करेंगे, मैंने बोला आप फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 2 इस 2 से मल्टीप्लाई हुआ, जवाब आया 4। लास्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 × 3 = 6। अब एक बात ध्यान रखनी है, अगर योग 10 आ रहा था तो हम कॉमन नंबर को पूरा ले लेते, अगर योग 5 आ रहा है तो आप कॉमन नंबर का हाफ लेंगे। तो कॉमन नंबर कौन सा है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो इसका हाफ ले लीजिए और इसको डबल डिजिट में लिख रहे हैं, तो आंसर मिल जाएगा 506। वापस से समझते हैं मेरी बात को, हमने बोला 4 × 4 आगे आ गया 16, 1 × 4 पीछे कितना आएगा 0 = 4। अब दोनों में जो कॉमन आ रहा है उसका हाफ हमको लेना है, क्योंकि योग 5 आ रहा है। कॉमन कितना आ रहा है दोनों में, 4 आ रहा है, तो 4 का हाफ लेंगे, तो 16 और 2 = 18 = 4।
हमने बोला 43 मल्टीप्लाई 42, वापस देखिए, 4 × 4 16, 3 × 2 6, कॉमन कितना आ रहा है 4, और योग कितना आ रहा है 5, यानी 4 का आधा ले लीजिए आप, 5 सा बन जाएगा 18 0 6। हमने बोला 81 मल्टीप्लाई 84, 8 × 64 और 1 × 4 ऐसा बन जाएगा। अच्छा कॉमन कितना आ रहा है 8, और योग कितना आ रहा है 5, यानी 8 का आधा ले लो, 6804। समझते हैं आगे, 72 × 73, अच्छा 7 × 7 49, और 2 × 3 6, कॉमन कितना आ रहा है 7, तो 7 का आधा। अब ये पॉइंटों में आ रहा है, लेकिन कोई डरने वाली बात नहीं है, आप पॉइंटों में भी इसको ऐसा लिख सकते हो। तो आप जब जोड़ेंगे इसको तो ऐसा आएगा 52.5 और 0 6। आप क्या करें, इस पॉइंट को इधर खिसका दें तो आपका आंसर आ जाएगा 5256। आप इस पॉइंट को आगे पीछे भेज देंगे। चलो हमने बोला 32 मल्टीप्लाई 33, तो 3 × 3 9, और 3 का आधा 1.5, तो 9 और 1.5 कितना बन गया आपका 10.5। हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को पीछे किसका देंगे, यानी 5 0 6। 161 × 164 16 सेम है, तो 16 × 16 256, 1 × 4 0 4, कॉमन कितना आ रहा है 16, 16 का आधा कर दो। तब इस तरीके से इन सभी नंबरों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग, अगर योग 6 बन रहा है 8 बन रहा है उसकी ट्रिक खुद डेवलप कर सकते हैं। चलिए ये नंबर से आप नंबर्स में जितने प्रैक्टिस करेंगे उतने कंसेप्ट आपके खुद के नए बनते जाएंगे। चलिए ट्रिक नंबर 6 की बात करते हैं, बेस ऑन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सबसे ज़्यादा आपके काम आने वाला कंसेप्ट, जहाँ पे आप अर्थमेटिक के अंदर भी और सिंप्लीफिकेशन के अंदर थोड़े से आप नॉलेज रख के ऑब्जर्व करके इसको अप्लाई कर सकते हैं। देखिए कैसे, अगर मुझे 34 को 36 से मल्टीप्लाई करना है, एक तरीका तो क्या है, पहला नंबर सेम है, योग 10 बन रहा है, तो 3 × 4 = 12 और 4 × 5 = 24, अगर आपको याद हो तो। दूसरा आप क्या बोल सकते हो कि इसको आप 35 - 1 और 35 + 1 बोल सकते हो, 34 को 35 - 1, 36 को 35 + 1, उसका फ़ायदा क्या होगा, ये बन जाएगा ए स्क्वायर, बन जाएगा बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप इसे इजीली निकाल पाएंगे भाई, 35 का स्क्वायर होता है 12 25, और 1 कम कर दिया। समझते हैं वापस से, 74 मल्टीप्लाई 86, मैंने बोला 74 को 80 - 6 बोल सकता हूँ, इस 86 को 80 + 6 बोल सकता हूँ, बोल सकता हूँ ए माइनस बी ए प्लस बी, 80 का स्क्वायर - 6 का स्क्वायर, ये आपको पता ही है, 6400 - 36। मैंने बोला 91 मल्टीप्लाई 109, तो मैं 91 को 100 - 9 बोल सकता हूँ, 100 को 100 + 9 बोल सकता हूँ, ए माइनस बी ए प्लस बी, 1 का स्क्वायर - 2 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर 10,000, 9 का स्क्वायर 81, ऐसा मिल जाएगा। मैंने बोला अगर मुझे 24 को मल्टीप्लाई करना है 32 से, तो क्या मैं इसको 28 - 4 और 28 + 4 बोल सकता हूँ, भाई 24 के लिए 28 - 4, 32 के लिए 28 + 4, तो 28 का स्क्वायर - 4 का स्क्वायर, 784 - 16 700। अब बात ये निकल के आती है कि सर दिखने में तो ठीक लग रहा है, लेकिन वहाँ पे हम कैसे ऑब्जर्व करें कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा या नहीं बनेगा। तो ध्यान रखिए, जब भी आपको दो संख्याएं दे रखी है, जो सम हो या दो विषम संख्याएं दे रखी है, तो वो हमेशा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में बन सकती है। उसके लिए हम क्या बोलेंगे कि जो इनके बीच का गैप है, देखिए अब 34 और 36, इनके बीच का गैप कितना रहा है 2, तो इसका आधा कर दीजिए। जब 2 का हमने आधा किया तो ये नंबर एक्चुअल में 1 का डिफरेंस ले रहा है, यानी 34 में 1 जोड़ोगे तो 35 - 1 या 35 + 1 बनेगा। हमने बोला 74 और 86 इनके बीच का डिफरेंस कितना रहा है, आपने बोला 12, अच्छा 12 आ रहा है, तो हमें क्या करना है 12 का आधा कर दो, तो एक्चुअल में ये 6 ज़्यादा है और 6 कम है, अगर 74 से 6 ज़्यादा है तो 80 - 6 80 + 6, अच्छा 91 109 डिफरेंस की बात करते हैं, 18 आ रहा है, यानी एक्चुअल में 9 ज़्यादा होगा, तो 91 + 9 यानी 100 होगा। तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं कि नंबर स्क्वायर बन रहे हैं कि नहीं बन रहे, इनका डिफरेंस 8 है तो 8 का आधा, तो एक्चुअल में 24 से 4 ज़्यादा, यानी कि 28 - 4 और 28 + 4 बोल सकते हैं, एक तरीका तो ये। दूसरा आप ऐसा भी बोल सकते हो कि आप इन नंबर्स को आपस में ऐड कर दो और उसका आधा कर दो, जैसे 74 + 86 जवाब आया 160, इसका आधा करेंगे तो ये नंबर 80 के ऐसे मिनट में मिल जाएगा, 80 - कुछ 80 + कुछ, ठीक है। चलिए अब इसी के बेस पर हमने 3 एग्जाम्पल लिए जो एग्जाम में आए हुए हैं, कि मान लो ऐसा लिखा हुआ है 42 रूट
मैं मल्टीप्लाई 52 प्लस 25, अगर आपको ये बात पता है कि एक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन सकते हैं तो निकालना बहुत आसान बन जाएगा। तो कैसे, मैंने बोला इन दोनों के बीच का डिफरेंस, जवाब आया 10, 10 का आधा 5, यानी एक्चुअल में ये 42 प्लस 5, यानी कि 47 माइनस 5 हो रहा है और 47 प्लस 5 हो रहा है, बोल सकते हैं प्लस 25। ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 25 से 25 कट गया, 47 का स्क्वायर रूट के अंदर है, तो आंसर कितना मिल जाएगा आपको बिना मल्टीप्लाई करे आप आराम से निकाल सकते हैं। चलिए, 575 मल्टीप्लाई 577 प्लस 1, इसकी पावर हाफ। मैंने बोला इनके बीच गैप कितने का रहा है, जवाब आया 2 का। अच्छा, 2 का गैप यानी कि इसका आधा, तो ये 575 प्लस 1 यानी कि 576 माइनस 1 आ रहा है, ये 576 प्लस 1 आ रहा है। हमने बोला ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस 1 से 1 कट गया, ये पावर 2 से 2 कट जाएगा, आंसर कितना मिल जाएगा, अंडरस्टैंड, 576। चलिए, 2187 मल्टीप्लाई 2193 प्लस 9/2190, क्या समझ सकते हैं आप, देखिए डिफरेंस 6 का, 6 का मतलब 3, बोल सकते हैं ऐसा। आप देखेंगे 2187 है और डिफरेंस 3 का है, यानी नंबर ऐसा रहा होगा 2190 माइनस 3, यहाँ डिफरेंस 3 का है यानी 2190 प्लस 3। जब हमने इसको देखा तो ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 9, सब कट जाएगा आपस में, तो आपका आंसर कितना मिल जाएगा, 2190। अगर आपको ये कंसेप्ट पता होगा तो इस तरह के क्वेश्चंस को सोल्व करने में आपको बहुत कम टाइम लगेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, अब हम आते हैं वैदिक मैथ्स के तरीके पे, जिसको कि वेस मेथड बोला जाता है, कि आप आधार मानकर क्वेश्चन की मल्टीपल्स को किस तरीके से इजी कर सकते हैं। मैंने बोला मुझे 102 को 106 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमने मान लिया कि इसका जो बेस है वो 100 है, फिर हम 100 से कंपेयर कर रहे हैं, ये नंबर 100 प्लस 2 है, ये नंबर 100 प्लस 6, बोल सकते हैं ऐसा। जब भी आपको ऐसा मिले आप इस नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, कि जितना ज़्यादा है वो आपस में मल्टीप्लाई होगा, तो 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया 12 बन गया। अच्छा, किसी भी एक नंबर को आप क्रॉस में ऐड कर दीजिए, जैसे मान लो मैं 106 में 2 ऐड कर दूँ, 108, या फिर 102 में 6 ऐड कर दूँ, कि आप किसी भी एक को क्रॉस में ऐड कर दीजिए, आपका आंसर यही आने वाला है, तो आपका आंसर बन जाएगा 10812। समझते हैं वापस से, 114 मल्टीप्लाई 103, ये +14 आ रहा है 100 से, ये 100 से +3 आ रहा है, तो इन दोनों का मल्टीपल ये मिल गया आपको। अच्छा, किसी भी एक को जोड़ दो क्रॉस में, तो 114 प्लस 3, यही आपका आंसर है, 11742। हमने बात करी 112 मल्टीप्लाई 109, ये 100 से 12 ज़्यादा है, ये 100 से 9 एक्स्ट्रा है, मैंने बोला 12 को 9 से मल्टीप्लाई करो, आपने कर दिया 108। अच्छा, किसी भी एक को ऐड कर दो, तो 112 और 9 कितना बन जाएगा, 121। ये बात ध्यान रखनी है कि जो आपका मल्टीपल्स आ रहा है लास्ट में वो हमेशा डबल डिजिट में आएगा, यहाँ पे संख्या 3 आ रही है, तो हम क्या करेंगे, एक को आगे भेज देंगे, तो आपका आंसर बन जाएगा 122 08। अब यही नंबर 100 से कम भी आ सकता है, जैसे 94 मल्टीप्लाई 93, मैंने बोला ये 100 से 6 कम है, ये 100 से 7 कम है, दिख रहा है आपको, तो ये नंबर आपस में मल्टीप्लाई होंगे, जितना ज़्यादा है जितना कम है वो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, तो -6 मल्टीप्लाई -7, प्लस का बैलेंस मिल जाएगा। किसी भी एक को क्रॉस में जोड़ते थे हम लोग, यहाँ पे माइनस है तो माइनस करना पड़ेगा, या तो 94 में 7 घटा दो या 93 में 6 घटा दो, दोनों से सेम आंसर मिलेगा 87। लास्ट में दो डिजिट चाहिए, दो डिजिट है यहाँ पे, तो यही आपका आंसर है। हमने बोला 91 मल्टीप्लाई 89, ये 100 से 9 कम है, ये 100 से 11 कम है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस का 99, किसी भी एक को क्रॉस में ऐड कर दो, या तो 91 से 11 घटेगा या 89 से 9 घटेगा, तो कितना मिल जाएगा, 80। अब दिक्कत आती है इस वाले तरीके में, जहाँ पे एक संख्या प्लस में आ रही है और एक संख्या माइनस में आ रही है। मैंने बोला 103 को मल्टीप्लाई करना है 95 से, ये 100 प्लस 3 है, 100 माइनस 5 है, 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया माइनस 5 से, तो इस बार आंसर आएगा नेगेटिव में। जब तक प्लस में आ रहा था तब तक कोई टेंशन नहीं थी, नेगेटिव में आने के बाद आपको उधार लेना पड़ेगा पास वाले से। देखिए, या तो आप इसको यहाँ ऐड करेंगे 95 प्लस 13, या 103 में से 5 घटाएंगे क्योंकि माइनस का है, तो वैल्यू कितनी मिलेगी आपको। कभी भी आपका मल्टीपल नेगेटिव में नहीं आता तो आप क्या करेंगे, यहाँ से एक कैरी करेंगे, कैरी बोरो देंगे इसको, तो 98 से हमने एक दिया तो कितना बचा यहाँ पे, 97, क्योंकि बेस हमारा 100 की बात कर रहे हैं हम, तो एक का मतलब 100 जाएगा, तो 100 माइनस 15 कितना बन जाएगा आपके पास, 85। आइए वापस से हम इसको समझते हैं।
मैंने बोला 112 को मल्टीप्लाई करना है 94 से। 112 का मतलब 100 प्लस 12, 94 का मतलब 100 माइनस 6। 12 इंटू 6, 1 प्लस 1 माइनस, तो माइनस का 72 मिल गया। मैंने बोला किसी भी एक को जोड़ दो, या तो 94 प्लस 12 करेंगे या फिर 112 माइनस 6 करेंगे, जो आपको सुटेबल लगे। ये हम फिर नेगेटिव मारे हैं, तो हमने एक उधार दिया यहाँ पे, तो यहाँ एक कम हो गया, यहाँ पे 100 गया, तो 100 माइनस 72 28 मिल जाएगा आपको। चलिए एक एग्जाम्पल और लिखा देता हूँ मैं इसका आपको, ताकि थोड़ी सी वो चीज़ें हमारे पास क्लियर हो। कि मान लो मैंने बोला आपको 113 को, एक मिनट, 91 से मल्टीप्लाई करिए आप, तो आपका जवाब आएगा सर ये 13 एक्स्ट्रा है, ये 9 कम है। तो मैंने बोला 13 इंटू 9, 13 नाम ऐसा। अच्छा किसी भी एक को क्रॉस में जोड़ दो या घटा दो, तो 91 में 13 जोड़ दो या 113 में 9 घटा दो, बात वही है, कितना आएगा। अब देखिए हमें इसको पॉजिटिव करना है, अगर मान लो मैं इसको एक उधार देता हूँ तो यहाँ बचेगा 103, और 100 में घटाओगे इसको तो फिर नेगेटिव मारे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से उधार देना पड़ेगा। तो हम ऐसा बोलेंगे जब भी ये मान 100 से ऊपर आए, अगर आप एक उधार देंगे तो 100 जाएगा, अगर मैं डायरेक्टली ऐसे दो उधार देता तो 200 जाता, यानी 200 माइनस 117 ये कितना मिल जाता आपको, 83। चलिए अब हम बात करते हैं कि हम इनके अलावा कुछ नंबर बचते हैं उनको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे मान लो 32 को 34 से मल्टीप्लाई करना है, एक तरीका तो ये है कि आप इसको 33 का स्क्वायर माइनस 1 बोल सकते हैं। आप 33 का स्क्वायर बोलेंगे, 1089 माइनस 1 करेंगे तो ये आपका आंसर जाएगा। मान लो चीज़ आपके माइंड में क्लिक नहीं होती है, तो दूसरा तरीका ये है कि आप 32 को 34 से मल्टीप्लाई करने के लिए ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, इससे भी आप निकाल सकते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि ये तरीका गलत है तो ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप इस तरीके से प्रैक्टिस करते हैं और इससे एग्ज़ाम में करते हैं तो भी आप अच्छे नंबर ला सकते हैं, बशर्ते आपको इसमें कॉन्फिडेंस हो और आप इसको स्पीडली कर पाए। कोई सा भी तरीका बुरा नहीं है, बस आपकी स्पीड मैटर करती है कि आप किस तरीके में, आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा अच्छी है तो आप उससे ईजिली सोल्व कर सकें। ठीक है, चलिए एक तरीका जो हम नॉर्मली यूज करते हैं, जिसको कि मैं यूज करता हूँ, वो आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। कि मान लो दो नंबर को मल्टीप्लाई करना है 32 को 34 से, तो हम क्या करेंगे, इस नंबर को ऐसा बोल सकते हैं कि ये 3 लिख लिया हमने, 2 लिख लिया, ये 3 लिख लिया हमने, 4 लिख लिया। फर्स्ट नंबर फर्स्ट से मल्टीप्लाई होगा, लास्ट नंबर लास्ट से मल्टीप्लाई होगा। जैसे 3 3 से मल्टीप्लाई हुआ 9, 2 4 से मल्टीप्लाई हुआ 8। उसके बाद आप इनको क्रॉस में मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, जैसे 3 दूनी 6, 4 थिया 12, और इनको बीच में ऐड कर देंगे। अब देखिए आपने 32 का मतलब क्या होता है, इसको मैं ऐसा बोल सकता हूँ 30 प्लस 2, और आप ध्यान से देखेंगे कि आपने 30 को कितना लिखा हुआ है, यानी कि एक जीरो का फर्क है, कह सकते हैं ऐसा। भाई हमने 30 को 3 लिखा हुआ है, मतलब एक का मान 10 है, यानी कि एक जीरो। तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि आपको जो संख्याएं लेनी है वो हर जगह से आपके पास सिंगल डिजिट में वैल्यू आएगी। ये बात थोड़ा समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम इससे बड़े बड़े मल्टीपल्स को ईजिली सोल्व कर पाएंगे। मैंने बोला हमने 32 का मतलब 30 प्लस 2 होता है, हमने 30 को 3 लिखा हुआ है, तो हमें हर संख्या सिंगल लेनी है। जैसे 8 का 8 आ गया, 18 का 8 लिया, 1 को कैरी किया, 1088। मैंने बोला 112 को 107 से मल्टीप्लाई करो, तो आप इस नंबर को दो तरीक़ों से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए कैसे, मैंने बोला आप 112 को क्या बोल सकते हो, एक तो जवाब आया कि 100 प्लस 12 बोल सकते हैं, और एक जवाब आया मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, जैसे मैंने लिखा हुआ है ना 1 और 12, यहाँ लिखा हुआ है 11 और 2, कि या तो मैं इसको 100 प्लस 12 बोलूँगा या 110 प्लस 2 बोलूँगा। दो बातें पॉसिबल है, 112 को कोई पर्सन 100 प्लस 12 भी मान सकता है और 110 प्लस 2 भी मान सकता है, दोनों में कोई गलत बात नहीं है। जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है 1 और 12, तो यहाँ पे 1 लिखने का मतलब है कि मैंने 100 को 1 माना हुआ है, कह सकता हूँ ऐसा, और यहाँ पे 110 को मैंने कितना माना हुआ है, 11। इसका सिंपल सा मतलब इतना सा है, अगर मैं 110 को 11 मान रहा हूँ, यानी 1 का मान 10 है, तो आपकी हर संख्या सिंगल में आएगी, और जैसे मैं 1 का मान 100 ले रहा हूँ, जैसे 100 को 1 लिखा हुआ है, तो हर संख्या डबल में आएगी। समझ गए इस बात को, देखिए मैंने बोला कि 112 इंटू 107 लिखा हुआ है, तो आप क्या करेंगे, आपने बोला कि मैं इसको 11 अलग कर लूँ और 10 अलग कर लिया, मैंने 11 और 10 यहाँ पे आ गया और यहाँ पे 2 और 7 आ गया,
ग्यारह इंटू दस 110, 2 × 7 14, और इन दोनों को क्रॉस से मल्टीप्लाई कर लो, तो 11 × 7 77, 10 × 2 20, इनको ऐड किया 97, क्योंकि हमने 112 को 11 और 2 लिखा हुआ है। इट मीन्स आपका एक तो इकाई अंक सिंगल डिजिट में, दूसरा ऐसा बोल सकते हो कि 110 को आपने 11 लिखा हुआ है, यानी एक का मान 10 है, तो आपकी हर संख्या सिंगल डिजिट में आएगी। जैसे 14 का 4 आएगा, एक को हमने आगे भेजा 98, 98 का 8 आ गया, फिर 9 को हमने आगे भेजा 119। अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ 112107, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 112 × 7 = 84 क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 7 यहाँ पे आया, 12 यहाँ पे आया, यानी 19। अब हमारे पास लास्ट में दो डिजिट आ रही है, यानी हमें हर संख्या डबल में लेनी है। डबल में लोगे तो 84 का 84, 19 का 19, और 1 का 1। समझते हैं वापस से इसको। मैंने बोला 131 को मल्टीप्लाई करना है 122 से, तो मैंने बोला 131 को मैं 13 और 1 बोल सकता हूँ, और इसको मैं 12 और 2 बोल सकता हूँ। एक बात ये ध्यान रखनी है कि हम जो भी वैल्यू ले रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में दो संख्या ली है, तो नीचे भी आपको तो स्टार्टिंग में दो संख्या ही लेनी पड़ेगी। कह सकता हूँ वैसा, ठीक है। मैंने बोला 13 को 12 से मल्टीप्लाई करो, तो आंसर आया 156। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो, आंसर आया 2, और क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दो, तो 12 × 12 13 × 2 = 26, ऐसा मिल जाएगा। ऐड किया तो 38 है। आप देखिए, आपने ये वाला मान सिंगल डिजिट में ले रखा है, या मैं ऐसा कह सकता हूँ ये आपने लिखा हुआ है 13 और 1, यानी कि एक्चुअल में ये 130 + 1 था, जिसको आपने 13 और 1 लिखा हुआ है। 13 लिखा है मतलब 1 का मान 10 है। हर संख्या सिंगल में आएगी, 2 सिंगल में आ गया, 8 सिंगल में आ गया, 3 को हमने आगे भेज दिया। समझते हैं वापस से इसको हम। 507 × 612, मैंने बोला 5 और 7 लिख दिया मैंने इसको, इसको मैंने 6 और 12 लिख दिया। कह सकता हूँ मैं ऐसा, ऐसा कहने का मतलब क्या है, इस बात को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली मैंने 5 और 7 लिखा हुआ है, किसको, 500 + 7 को। 7 तो ठीक है, लेकिन मैंने 500 को 5 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, 1 का 100 है, यानी आपकी हर संख्या डबल आएगी। समझ रहे हैं इस बात को। मैंने 612 को लिखा हुआ है 600 + 12, और जब क्वेश्चन देख रहा हूँ मैं, तो मैंने केवल 600 को 6 लिखा हुआ है। इट मीन्स हमें संख्या डबल डबल लेनी है। तो 5 × 23, 12 × 7 = 84, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 60 और 42, तो कुछ ऐसा मिलेगा आपको, ये 30 102 84। हमें संख्या डबल लेनी है, तो 84 आ गया, 102 का 2 आ गया, और 1 हम आगे भेज दें। तो हमें कहाँ पर सिंगल लेना है, कहाँ पर डबल लेना है, वो डिपेंड करता है कि आपने उस नंबर को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया। चलिए मैं इसी क्वेश्चन को वापस से आपके सामने लेके आ रहा हूँ कि मान लो 291 को मल्टीप्लाई करना है 112 से। तो यहाँ पे ना तो आप ऐसा लिखेंगे 291 11 2, लिखने को लिख सकते हैं क्योंकि 11 से मल्टीप्लाई करना आपको आता है, लेकिन इसको अगर आप नेगेटिव में लिखना चाहें तो आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ईजी बना सकते हैं। और ये बात अगर आपको समझ में आ गई तो यकीन मानिए आप बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन ईजीली कर पाएंगे। बस इस बात को आपको समझना पड़ेगा। देखिए, मैंने बोला कि मैं 291 को 300 - 9 बोल सकता हूँ, कह सकता हूँ मैं सर। 112 को मैं 100 + 12 बोल सकता हूँ। अगर मैं ऐसा बोल सकता हूँ तो मैंने देखा दोनों में कॉमन दिख रहा है मुझे 100, यानी मैं पहले वाले नंबर को तो 3 मान लूँ और ये माइनस का 9 मान लूँ, वहाँ पे प्लस में आ देते हैं, इसलिए हमें साइन की आवश्यकता नहीं थी। ये 100 + 12 दिख रहा है, तो मैंने 100 को 1 मान लिया, ये 12 मान लिया। इसका फ़ायदा क्या होगा, देखिए आप, 3 × 1 = 3, -12 × 9 माइनस का 108, 12 + 36 और 1 × -, तो 36 - 2। मैंने बोला तो उसको माइनस किया, ऐसा है, आप देखिए, आपने 100 को लिखा हुआ है 1, 300 को लिखा हुआ है 3, इट मीन्स 1 का मान 100 है। तो पहली बात तो ये क्लियर हुई कि हम जो भी संख्याएं लेंगे वो संख्याएं हर जगह से दो दो संख्याएं आएगी। दूसरी बात ये क्लियर हुई कि अगर हम उधार देंगे किसी को तो 1 की जगह 100 उधार जाएगा। तो मैंने बोला ये मान नेगेटिव आ रहा है, मुझे इसको पॉजिटिव करना है। अगर मैं 1 उधार दूंगा 100 जाएगा, लेकिन 100 से पॉजिटिव नहीं बनने वाला, तो मैंने क्या करा, इसमें से 2 उधार दिया। जब 2 उधार दिया, 27 में से कितना बचेगा, 25, 200 में घटाया आपने 108 को, तो ये नंबर कुछ इस तरीके से मिलेगा, 200 - 108, सॉरी 92 आएगा ना। अब देखिए, हमें हर संख्या 2 लेनी थी, तो 2 92 आ गई, यहाँ से भी 2 लेनी है, इसलिए आपका ये आंसर है। आइए समझते हैं वापस से इसको।
मैंने बोला 594 को मल्टीप्लाई करना है 114 से, तो क्या मैं 594 को 600 माइनस 6 बोल सकता हूँ? अच्छा 114 को क्या मैं 100 प्लस 14 बोल सकता हूँ? आप देखेंगे 600 और 100, मैंने 600 को 6 लिख दिया, 100 को 1 लिख दिया, इट मीन्स 1 का मान कितना आपके पास, ये दोनों में सेम रहना चाहिए आपके पास, ये माइनस 6 ये प्लस 14, इनको आपस में मल्टीप्लाई किया माइनस का 84, 6 × 1 6 क्रॉस मल्टीप्लाई किया आपने, तो 14 × 84 माइनस 6 78 मिल जाएगा। अब हमें इसको पॉजिटिव करना है, क्योंकि 1 का मान 100 है, तो 1 उधार दिया 77 और 100 माइनस 84 कितना बन जाएगा 16। चलिए मैंने बोला 987 को मल्टीप्लाई करना है 612 से, तो 987 को मैं 1000 माइनस 13 बोल सकता हूँ, 612 को मैं 600 प्लस 12 बोल सकता हूँ। अब मैं 1000 को 1 और माइनस 13 नहीं बोल सकता, उसका कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पे जब कॉमन दोनों में कॉमन की बात कर रहे हैं तो दोनों में कॉमन हमें लेना पड़ेगा 100, अगर मैं 100 कॉमन लूँगा तो 600 को तो मैं 6 बोल सकता हूँ, लेकिन 1000 में अगर 100 कॉमन लूँगा तो मुझे इसको 10 बोलना पड़ेगा। अगर आप 1000 से करना चाहते हो तो अगर ऊपर 1 लोगे तो इसको फिर आपको 0.6 मानना पड़ेगा। आ रही बात समझ में आपको? ठीक है, तो मैंने बोला इसको मैंने 10 मान लिया, इसको मैंने 6 मान लिया, ये माइनस 13 है ये प्लस 12 है, 10 × 6 = 60, माइनस 13 × 12 −156, और किसी भी एक दोनों को मतलब क्रॉस में मल्टीप्लाई करके जोड़ देंगे या घटा देंगे, तो ऊपर वैल्यू मिल रही है 120, यहाँ मिल रहा है 78, वैल्यू आई 42, ये माइनस का। आप देखिए हमने 600 को 6 लिखा हुआ है, यानी 1 का मान 100 है, अगर मैं एक उधार दूंगा तो 100 जाएगा, मुझे कम से कम 200 उधार देना पड़ेगा ताकि ये पॉजिटिव आए, तो यहाँ से मैंने 2 भेजा तो 40, 200 माइनस 156 तो 44 मिल जाएगा। हमें संख्या डबल डबल लेनी है तो यही आपका आंसर आ जाएगा 60 40 44। चलिए समझते हैं आगे, 1985 को 3012 से मल्टीप्लाई करना है। मैंने देखा मैं इसको 2000 माइनस 15 बोल सकता हूँ, इसको 3000 प्लस 12 बोल सकता हूँ। आप देखिए कॉमन कितना दिख रहा है आपको बेस के अंदर, 1000, मैंने बोला 1000 दिख रहा है तो 1 का मान 1000 है, तो मैंने यहाँ पे 2 लिख लिया, यहाँ पे 3 लिख लिया, ये माइनस 15 ये प्लस 12। इस 1000 का मतलब क्या है, अगर आप उधार देंगे तो 1000 जाएगा, और संख्या कितनी लेनी है आपको, हर जगह से आपको 3 संख्या लेनी है। समझ में आ रहा है कि अगर 1 का मान 10 है तो उधार 10 जाएगा, संख्या 1 आएगी, 1 का मान 100 है तो उधार 100 जाएगा, संख्या 2 आएगी, 1000 है तो हमें संख्या 3 लेनी पड़ेगी। चलिए समझते हैं आगे, 2 × 6 = 15 × 12 180, देखो मैंने 180 क्यों बोला, मैंने 15 को डबल किया माइनस 30, 12 को आधा किया, तो देखो डबल में हाफ यहाँ भी लग रहा है आपका, मतलब ऐसे बहुत सारे ट्रिक्स थे जो हमने पहले डिस्कस किए, वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली या डायरेक्टली लगेगी जब आपको पहचानना पड़ेगा। ठीक है, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 12 × 2 = 24, 15 × 3 = 45, ऐसा मिला, 24 में घटाया 45 को तो वैल्यू आ रही है माइनस का 21, ये आ रहा है माइनस का 180। अब देखिए हमारे पास दोनों वैल्यू नेगेटिव आ रही है, अगर मुझे इस वाले मान को पॉजिटिव करना है तो पॉजिटिव होगा इस वाले से, लेकिन ये खुद नेगेटिव है तो पहले हम इसको पॉजिटिव करेंगे। पॉजिटिव करने के लिए मैंने यहाँ से एक उधार दिया तो 6 से कितना बच गया 5, अब 1 का मान 1000 है तो 1000 ही जाएगा उधर, तो 1000 में पहले 21 घटाओगे आप तो वैल्यू मिलेगी 5979180। अब मुझे इसको पॉजिटिव करना है तो उधार देंगे इस वाले से तो मिलेगा 970, 1080, और हमें हर संख्या 3 डिजिट में लेनी है तो आपको हर संख्या 3 डिजिट में लेनी है, आपका आंसर कितना बन जाएगा 5978820। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप इसी तरीके से अप्लाई करें, आप अपने बेसिक तरीके से भी अप्लाई कर सकते हैं या कुछ जो आपने नया सीखा है आप उससे भी अप्लाई कर सकते हैं, बस आप जिस तरीके की प्रैक्टिस करेंगे इन फ्यूचर में आपको वही तरीका अच्छा लगने लगेगा और आपकी स्पीड उसमें बढ़ जाएगी। ठीक है, आई होप आपको ये पार्ट समझ में आया होगा, नेक्स्ट पार्ट में हम स्क्वायर रूट्स क्यूब रूट फ्रैक्शंस की बात करेंगे और फिर इन दोनों को आपस में मर्ज करके कि हम सिंप्लीफिकेशन के अंदर कम टाइम में इन ट्रिक्स का यूज कैसे कर सकते हैं वो सीखेंगे। थैंक यू सो मच।